चलो नाउ नेक्स्ट लिखो, कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड इंडिपेंडेंस. कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है. देखो, अब हम लोग एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखो. कोरिलेशन कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ लीनियर डिपेंडेंसी, फुल स्टॉप. इफ टू वेरिएबल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप, इफ टू वेरिएबल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप, देन दे हैव अ लार्ज कोरिलेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर रिलेशनशिप इफ यू शो इट डायग्रामेटिकली? अगर कोई आप ऐसा लाइन बनाते हो, आपका x1 एंड x2 दे आर प्रोड्यूसिंग वैल्यूज विच आर फॉलिंग ऑन दीज क्लोज टू दीज लाइन्स और जैसे भी, तो हम उसको बोलते हैं दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कोवेरियंस एंड हेंस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन. ठीक है. नाउ इफ इट्स पॉजिटिव, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, सो योर कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव. ठीक है. अगर आपका ऐसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, आपके पॉइंट्स समवॉट ऐसे हैं, इस ऐसे नीचे स्लांटिंग, तो इसका क्या मतलब है? x1 अगर बढ़ेगा तो x2 गिरेगा, x1 अगर कम होगा तो x2 बढ़ेगा. सो योर कोरिलेशन विल बी नेगेटिव इन सच अ केस. एंड कोरिलेशन जीरो होने का क्या मतलब है कि आपका ये x1 है, ये x2 है, एंड देर इज नो लीनियर डिपेंडेंसी, मतलब कि आपका हैप्पीजेट है, यू कैन नॉट फॉर्म अ लीनियर लाइन. ठीक है. देन इन सच अ केस योर कोरिलेशन बिकम्स जीरो. सो व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज मेजरिंग द लीनियर डिपेंडेंसी. सो इफ इट इज जीरो, यू से दैट देर इज नो, हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड नहीं है, खाली हम लोग ऐसे बोल देते हैं. बट आइडियली क्या होता है, देर इज नो लीनियर डिपेंडेंसी. बट हो सकता है ना दैट दो वेरिएबल में नॉन लीनियर डिपेंडेंसी हो. तो इन सच अ केस क्या होता है, आपका कोरिलेशन जीरो है. कोरिलेशन जीरो का मतलब नो लीनियर डिपेंडेंसी. ठीक है. बट अगर हम बोले कि नॉन लीनियर डिपेंडेंसी प्रेजेंट है इन द टू वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा. गॉट इट? तो लिखो कोरिलेशन ऑफ जीरो, कोरिलेशन ऑफ जीरो डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर इंडिपेंडेंट. गॉट इट? ठीक है. हाउएवर अगर नॉन लीनियर डिपेंडेंसी है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा. करेक्ट? तो ये हमने समझ लिया. बट अगर मैं बोलूं कि दो वेरिएबल्स आपस में एकदम से इंडिपेंडेंट है, कोई लीनियर डिपेंडेंसी, नॉन लीनियर डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी, सो इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन ऑटोमेटिकली दे बिकम अनकोरिलेटेड, मतलब दे हैव अ कोरिलेशन ऑफ जीरो. सो इंडिपेंडेंस इज अ स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी देन कोरिलेशन. इंडिपेंडेंस इज अ स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो बाहर वाला वेन डायग्राम मीनिंग इंडिपेंडेंट, और नीचे वाला वेन डायग्राम का मतलब होता है अनकोरिलेशन. गॉट इट? या फिर कोरिलेशन लिख दो. ठीक है. गॉट इट? इंडिपेंडेंस, कोरिलेशन अनकोरिलेटेड, कोरिलेशन जीरो है. गॉट इट?
तो इंडिपेंडेंस इज अ स्ट्रॉन्ग. एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ. आई डोंट नो तुम लोगों ने ये चीज किया है कि नहीं. X1 फॉलोज नॉर्मल 0.1, अगर मैं बोलू स्टैंडर्ड नॉर्मल जो मैंने वीडियो डाला. ठीक है, कोई बात नहीं. X1 फॉलोज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे समझ लो. ठीक है, एंड लेट्स सपोज X2 मैं बोल रही हूँ इज X1 का स्क्वायर. तो X2 क्या है? X1 का स्क्वायर है. अब अगर इफ यू जस्ट क्विकली यू नो वॉन्ट टू मेक इट ऑन अ डायग्राम, ये आपका X1 है, ये आपका X2 है, तो X1 अगर 1 होगा तो X2 क्या हो जाएगा? 1. ये 2 होगा तो ये हो जाएगा 4. तो आप कुछ ऐसा कर्व देखोगे विच इज नॉट लीनियर, इट्स अ कर्व. ठीक है, इट्स नॉट लीनियर. तो इस केस में हम लोगों को एक चीज तो पता है, तुम लोग ये पढ़े नहीं हो, कि X1 फॉलोज जब नॉर्मल 0.1 होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता था? ऐसा. इसका स्क्यूनेस क्या होता है? 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, इसका स्क्यूनेस भी 0 होता है. इसका कोवेरियंस अगर हम निकालें X1 और X2 का, कोवेरियंस हो जाएगा X1, X1 का स्क्वायर का. ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है दिस इज नथिंग बट 0 इन आर केस. अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, मतलब इतना जरूरत नहीं है. माइनस ये होगा ना, फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का. ये आपका 0 है और ये भी 0 आ रहा है क्योंकि स्क्यूनेस 0 है ना. और स्क्यूनेस हम लोग कैसे निकालते थे? अगेन स्क्यूनेस हम लोग निकालते थे X1³ - एक्सपेक्टेशन. बेसिकली ये वाला एक टर्म आता था पूरा, फिर वो पूरा एक्सपेंशन करते थे तो वो वाला आपका पूरा 0 आता था. तो ये आपका अगर 0 है दोनों, तो पूरा आपका कोवेरियंस क्या आ रहा है? 0. नॉट रिक्वायर्ड टू यू नो ड्राइव सो मच एंड डू. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कोवेरियंस आपका 0 है. ठीक है, ये सब आपका सही है. बट अगर मैं बोलू टू प्रूव इंडिपेंडेंस, X2 इज डिपेंडेंट ऑन X1. X1 जितना से बढ़ेगा X2 उसका स्क्वायर द रेट से बढ़ेगा, X1 उतना गिरेगा स्क्वायर द रेट से कम होगा. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कोरिलेशन तो 0 है, कोवेरियंस भी 0 है क्योंकि देर इज नो लीनियर डिपेंडेंसी विच वी कैन सी इन दिस केस. बट इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो ये अगर हम बोलें कि ये पार्ट अगर 0 है, ये पार्ट 0 कब होगा? जब आपका अनकोरिलेटेड होगा. ठीक है, कोरिलेशन 0 होगा बट डज नॉट मीन कि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी तो है ही. तो जब मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में अगर हम लोग बोलते हैं कि दो शेयर्स मैंने बोला था, MRF और ITC, ठीक है, तो इनका कोरिलेशन 0 हो सकता है कि लीनियर डिपेंडेंसी नहीं. भाई ये कितने से बढ़ेगा तो ये भी इतने से ही बढ़ेगा. देर इज नो लीनियर डिपेंडेंसी, कोरिलेशन कोवेरियंस आपका 0 है. वो ठीक है कि वो आपका 0 है, बट आप जब उसका मिनिमम वेरियंस आप निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यू हैव क्रिएटेड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. बट पूरा इकोनॉमी में ही गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो तो गिरेगा ही, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अभी भी दोनों में सेम डिपेंडेंट है, जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल, गवर्नेंस, ठीक है, टैक्सेशन, कुछ आपका पर्सनल टैक्सेशन हो गया, कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स हो गए, कुछ डिस्क्लोजर्स हो गए जो सारी कंपनीज हैं. तो कुछ ऐसा चीज जो दोनों में स्टिल डिपेंडेंट है बट आपका ये वेरियंस में इम्पैक्ट नहीं दे रहा है. गॉट इट? तो आप लोग पढ़ोगे बाद में, देर इज टू थिंग्स दैट वी डू. वन इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड वन इज अ स्पेसिफिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क इज अ रिस्क विच अप्लाइज टू ऑल, मतलब जो आपका पूरा एज अ होल अप्लाई कर रहा है. अगर गवर्नमेंट चेंज हुआ, टैक्स रूल्स हुआ, तो वो सब में सिमिलर तरीके, नॉट आई विल नॉट से सिमिलर तरीके से, बट सब में इम्पैक्ट करेगा. स्पेसिफिक इज स्पेसिफिक टू ITC, होटल इंडस्ट्री. कोविड आया तो होटल इंडस्ट्री पूरा से शट डाउन हो गया, ITC वॉज इम्पैक्टेड अलॉट. बट इफ यू टॉक अबाउट MRF टायर्स, हुआ वो भी ट्रेवल एंड ऑल, बट उतना नहीं मे बी जितना होटल इंडस्ट्री. सो स्पेसिफिक, सम थिंग्स विच आर वेरी स्पेसिफिक टू पेट्रोल प्राइस एंड ऑल, समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दिस पर्टिकुलर शेयर, बट नाउ दैट इज योर स्पेसिफिक रिस्क. गॉट इट? ठीक है, तो ये हम लोग, आप लोग बाद में पढ़ोगे ये वाला चीज, आप लोग फिर वहां पे रिलेट करना कि कोरिलेशन अगर 0 है आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो,
बट स्टिल देर इज सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी बिकॉज वो इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट? वो इंडिपेंडेंट नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. अब उसके बाद नेक्स्ट लिखो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस. हाँ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इजी है, मतलब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं करवाऊंगी तुम लोगों को, तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हमने किया है तुम्हारे मार्जिनल के केस में जब सिंगल वेरिएबल होता था. बस अभी दो वेरिएबल, एक क्विकली मैं एक चीज दिखा दूंगी, बस उसी से हो जाएगा सम. एक्सपेक्टेशन, ठीक है? सो जो लास्ट क्लास हमने एग्जाम्पल लिया था ना, कंसिडरिंग दिस ओनली, ठीक है? कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल ओनली, अगर मैं बोलती हूँ तुम लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेशन, ये हमने किया था क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन एक्सपेक्ट एक्स टू इज वन. हाँ नहीं, इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था खाली. तो इसका क्या मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हो, आप इसका एक्सपेक्टेशन किसका निकाल रहे हो, एक्स वन का, बट गिवन है कि एक्स टू विल बी वन, ठीक है? तो आइडियली अगर एक्सपेक्टेशन हम लोग निकालते थे क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ दैट थिंग इनटू उसका प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे द थिंग इज कि यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. सो इट विल बी बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू इज वन, ये कंडीशनल है. हाँ, या फिर अगर डिस्क्रीट है तो समेशन ऑफ एक्स वन गिवन प्रोबेबिलिटी, ये एफ होगा, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू इज वन. ठीक है, तो इसको मैं निकाल नहीं रही हूं, आप लोग यहाँ पे क्विकली देखो. जब आपका एक्स टू वन है, जब आपका एक्स टू वन है मतलब ये वाला पार्ट, तो आपका एक्स टू जब वन है तो एक्स वन क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 5%, नहीं एक्स टू मैंने क्या बोला, वन. हाँ, जब एक्स टू, इसका हमने नहीं, इसका हमने वो कहा निकाला था, ये तो रहा नहीं, इसका हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना, तुमको ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा, तुम कोई भी और नहीं यूज कर सकते, कंडीशनल वाला यूज करना पड़ेगा ना. तो कंडीशनल वाले में हम क्या बोल रहे हैं कि आपका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. हाँ, स्टॉक रिटर्न्स तो यही पॉसिबल है ना, ये तीन तो स्टॉक रिटर्न्स पॉसिबल है, और तो कुछ है ही नहीं. बट -5 जब होगा, ये जब -5 था तो उसका आपको प्रोबेबिलिटी ये वाला लेना पड़ेगा रादर देन दिस प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते, मतलब ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, हाँ मतलब ये दोनों का साथ में है, ठीक है? तुम्हें यहाँ पे ये जो हमने कंडीशनल निकाला था, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, समेशन ऑफ एक्स वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू इज वन, यू हैव टू यूज दिस प्रोबेबिलिटी जो वी हैव टेकन आउट ओवर हियर इन दिस, ये वाला, ठीक है ना? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके एक्स वन में, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, -5%, 0% और 5%. -5% का प्रोबेबिलिटी क्या निकाला था हमने, 16.167. इसका हमने क्या निकाला था, अगेन 16.67, और इसका हमने क्या निकाला था, 66.6%. क्या आ रहा है देखो करके, आपका समवेयर 2.5% आएगा, ठीक है? सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट, अगर मैं बोलूं
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू इज आइदर माइनस वन और जीरो. इसका भी देख लो, एक बार आ जाओ. इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाल दिया था, ये वाला वैल्यूज निकाला था. बस यू हैव टू यूज दीज वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. सो गिवन आपका अगर एक्स टू वन है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है, तो वॉट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टॉक रिटर्न? 2.5%. अब यही अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन निकालते, वॉट इज अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन? जस्ट फाइंडिंग आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन, नॉट डिपेंडिंग ऑन वॉट योर एक्स टू का वैल्यू विल बी. तो ये हम लोग इसमें ये यूज करते, कहाँ गया एक्स वन, ये वाला यूज करते हम लोग. 5 -5% इंटू 35, 0 into 30 एंड 5 into 35, ये वाला यूज करते है ना. इसका एक्सपेक्टेशन निकालो तो क्या आता, जीरो आएगा. -5 into this 0 into this, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि -5 into 35 है और 5 into 35 है, तो जीरो ही हो गया. तो अनकंडीशनल तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जीरो आ रहा है, वेर एज कंडीशनड पे कर. अब कंडीशन डाला भी तो क्या कंडीशन डाला, कि मैंने दे दिया है पॉजिटिव फीडबैक. वन का मतलब था करेक्ट, वन का मतलब था पॉजिटिव फीडबैक. ये वन का मतलब था मैंने दे दिया पॉजिटिव फीडबैक, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न क्या होगा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 0%. गॉट इट? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है. सिमिलरली हम लोग कंडीशनल वेरियंस भी निकाल सकते हैं. मैं निकालने के लिए बोल नहीं रही हूँ, बट अगर निकालने बोला जाए तो आप लोग वो भी निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलू कि सिग्मा ऑफ एक्स वन गिविन एक्स टू इज वन, अगर ये निकालने बोला जाए तो वेरियंस ऑफ एक्स वन गिविन एक्स टू इज वन, तो इसमें फॉर्मूला में डाल डाल के आप लोग निकाल सकते हो. मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन का स्क्वायर गिविन एक्स टू इज वन माइनस इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया. अब मैं निकालने नहीं बोल रही, बट अगर आप लोग एक बार सुन लो निकालोगे कैसे. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन का स्क्वायर गिवन दिस, दिस इज नथिंग बट हाउ कैन आई राइट दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग है ना, इज दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन आर केस. -5% का स्क्वायर इंटू 16.67 प्लस 0% का स्क्वायर इंटू 16.6% एंड 5% का स्क्वायर इंटू 66.67, ये होगा माइनस. इसमें ये तो हम लोगों ने ऊपर निकाला ही है कंडीशनल 2.5% का स्क्वायर, तो ये होगा आपका. बाद में तुम लोग करना, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, 3.81% आएगा. गॉट इट? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हैं एंड कंडीशनल, दिस इज आइडियली व्हाट, दिस इज आइडियली वेरिएंस ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू का वैल्यू इज वन. गॉट इट? ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कंडीशनल इंडिपेंडेंस. इजी है सब. देखो तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, एक बार जब पूरा गो थ्रू करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. कंडीशनल इंडिपेंडेंस, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल्स, जैसे मैंने बोला कि जो रैंडम वेरिएबल्स अगर किस तरीके से डिपेंड कर सकते हैं फिनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क अवर्जन हो सकता है, कुछ आपका बहुत सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, साथ में पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई तरीका का डिपेंडेंसी. मतलब जरूरी नहीं कि कोरिलेशन इज द ओनली थिंग, देयर कैन बी लॉट ऑफ फैक्टर्स थ्रू विच द टू शेयर्स कैन बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक नया वेरिएबल आई एम इंट्रोड्यूसिंग, हमने एक्स वन एक्स टू देखा है प्रीवियस एग्जाम्पल में, नया वेरिएबल ले लो जेड, इसका मीनिंग ले लो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्टाइल. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्टाइल
ठीक है, तो जेड इज बेसिकली द स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. जेड अगर है तो मतलब वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्टाइल है. 1 इज फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्टाइल एंड 0 इज फॉर अदर्स. ठीक है, तो इसका टेबल ना रीड्राफ्ट करना पड़ेगा क्विकली. आपका दो चीज आ जाएगा अब. लेट्स सपोज वी वर मेकिंग अ टेबल जहां पे हम ले रहे थे x1 एज द रिटर्न्स -5 0 एंड 5%. ठीक है, x2 ले रहे थे हम लोग -1 0 एंड 1. अब यहाँ पे एक नया एस्पेक्ट आ गया कि ये कंजर्वेटिव है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये आपका अदर्स है, ये आपका स्टाइल है. ठीक है, लिख लिया. तो बेसिकली अब ये पूरा देखना, ऑल ऑफ दिस विल एड अप टू 100%. गॉट इट? तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टू वेरिएबल्स नाउ वी हैव अ थर्ड वेरिएबल व्हिच इज द स्टाइल. कि अगर कंजर्वेटिव है तो ये रिटर्न्स है, अदर्स है तो ये रिटर्न्स है. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि अभी भी अगर हम लोग देखें नेगेटिव रिटर्न का टोटल करें, -5% का टोटल करें, तो क्या आएगा करके देखना एक बार. और नेगेटिव रेटिंग का कितना आ रहा है? नेगेटिव रेटिंग मतलब -1. करेक्ट. तो ये चीज देखो कंसिस्टेंट है अभी भी. यहां पे आपका 20% आ रहा है when the return is -5, नेगेटिव रेटिंग इज 20%, और पहले वाले केस में भी यही था. ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंट है. खाली हमने क्या किया, दो पार्ट में उसको तोड़ दिया, एक कंजर्वेटिव अप्रोच एक अदर्स. एंड कंजर्वेटिव ये मतलब प्रोबेबिलिटीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर समझें कंजर्वेटिव अप्रोच अगर है तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव रिटर्न्स कम होंगे, कंजर्वेट एंड अपसाइड भी कम होगा, क्योंकि आप रिस्क कम लोगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा. ठीक है, ये होगा. ठीक है ना, अब यहाँ पे लेट्स सपोज व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज जस्ट दैट अगर हम लोग को निकालना है कंजर्वेटिव अप्रोच का, तो हम लोग उसको कैसे डिवाइड करेंगे. एज इन जस्ट दिस पार्ट इफ आई वांट टू सी, तो लिखो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल क्या आ रहा है, मतलब हाउ मच परसेंट डू यू थिंक ऑफ द पोर्टफोलियो इज कंजर्वेटिव एंड हाउ मच इज अदर्स, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे बताओ. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, आई वॉन्ट यू टू टेल मी वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजर्वेटिव स्टाइल.
तुम 12.5 कैसे बोल रहे हो? बोलो कितना आ रहा है इसको ऐड करके, ये पूरा ऐड करके, और ये आ रहा है 87.5%। तो तुम्हारा, तुमने सही बोला, तो कंजर्वेटिव इज 12.5%। तो अब मेरे को अगर निकालना पड़े, अब अगर मेरे को निकालना पड़े कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड x2, मतलब तुम लोग मेरे को अब बाई वेरिएट निकालो x1, x2, जहां पे ये दोनों कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हो, उसका मेरे को पूरा बाई वेरिएट मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो उसका बाई वेरिएट मैट्रिक्स अब कैसा बनेगा? मतलब वील डू द सेम थिंग जो हमने बाई, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ गए, वहां पे दो वेरिएबल थे और आपको मैंने बोला था कि एक वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसको मैं बोल रही हूँ अब इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने। तो इसको कैसे करेंगे? देखो 1% है, तो बेसिकली ये 1% को व्हाट यू विल डू इज यू डिवाइड बाय 12.5। बोलो क्या करेंगे? मतलब क्या आंसर आएगा? कैसे? जो हम लोग जब हम लोग टू वेरिएबल्स में एक वेरिएबल निकाल रहे थे, तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोला था निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x2 इज लेट सपोज 1। तो तुम लोगों ने क्या किया था? तुम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कहाँ गया? आ, 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 हाँ आहा, 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 आ, आ, आ गया एकदम नीचे। हाँ, यहाँ पे क्या किया था तुम लोगों ने? तुम लोगों ने देखा था कि जब ये -1, जब ये 1 है, ठीक है, जब ये 1 है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ -5 इज हाउ मच? 5%, है ना? तो इसको हमने क्या किया था, हमने, अगर आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन इज आपका 5%, मतलब ये वाला पार्ट बाय द कंडीशन, एंड कंडीशन का प्रोबेबिलिटी इज 30%। तो आपने क्या किया, 5/30%। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों का सेम, मतलब बेसिकली यूजिंग दिस अप्रोच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज यहाँ पे 5%, कि आपका 1 होगा, ये 0 होगा, 5% गिवन बाय 30%, अगेन 20% बाय 30%। ये किया, यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब तीन वेरिएबल है। तो यहाँ पे व्हाट यू आर सेइंग इज आप ये निकाल रहे हो, आप ये निकाल रहे हो गिवन कि आपका कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो हो रहा है, ठीक है, गिवन आपका कंजर्वेटिव अप्रोच। तो आप क्या कर रहे हो, एक बार ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, ये 1% ले रहे हो, देखो कंजर्वेटिव, एंड ये -1, ये 1, ये 1% लोगे। यहाँ पे ये टेबल का कोई यूज नहीं है, ये 1% लोगे एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजर्वेटिव, हमने निकाल दिया 12.5। तो ऐसे करके कैन यू फिल दिस एंटायर टेबल? तो ये हो जाएगा लेट्स सपोज आपका 32, यार है 0 0 0, हाई रिटर्न्स देखो आ ही नहीं रहे हैं। अगर कंजर्वेटिव अप्रोच में जाओगे तो ये पूरा 0 ही आ रहा है।
ठीक है, और अब इसको तुम लोग ऐड करोगे तो अगेन दिस विल बी 100%, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाल लिया ना कंडीशनल. अब यहाँ देखो एक चीज और, ये जैसे आपका 40% आ रहा है, 40 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 64 + 16 80%, 16 + ये 20%. अब एक बार ध्यान दो, 40% इंटू 20% गिव्स यू 8%. 40% इंटू 20% गिव्स यू 8%. और ये चीज क्या था, इंडिपेंडेंस प्रूफ करता है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू इज गिविंग यू एक्स वन कॉमा एक्स टू विच इज इंडिपेंडेंट. ऑल्दो ओरिजिनल मेट्रिक्स, ओरिजिनल बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, जो हमने लास्ट क्लास प्रूव किया था, बट दिस नाउ बिकम्स इंडिपेंडेंट. ये आपका हमने जो पढ़ा था ना कि ये अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं था. आपका एक मिनट ध्यान दो, अगर यहां देखो 30 × 35 इज नॉट गिविंग यू 20%, तो ये कंडीशन, ये आपका अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं था, ये अनकंडीशनल हुआ ना, कोई इसमें तीसरा कंडीशन नहीं आया, एक्स वन एक्स टू, ये खाली. हमने क्या पढ़ा था जब हम लोग रैंडम वेरिएबल सिंगल वेरिएबल कर रहे थे, कि कंडीशनली इंडिपेंडेंस डज नॉट इम्प्लाई अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट. याद आया ये चीज कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज में, तो ये हम लोग बोल सकते हैं अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं था, बट ये वाला कंडीशनली इंडिपेंडेंट है. ये इंडिपेंडेंट है बट कंडीशनली है, कि ये आपका कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है. तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे कंडीशनली इंडिपेंडेंट है ये. ठीक है, बस लेट्स डू इट टिल हियर. इसके बाद दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग सुनो. अब तुम लोग